प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो 1500 से 2000 रुपए इजिली कमा लेंगे और ये प्रोडक्ट 365 दिन चलने वाला है। 26 रुपए में आपका तैयार हो जाता है और होलसेलर में आपको 45 से 50 रुपए में दर्जन बिकता है। मशीन से ही पैक हो जाएगा मैम ये सारे प्रोडक्ट जो आपको मैंने दिखाया। और जहाँ रखेंगे ये आप देखो इस तरीके से, और हमारा माल वहाँ पैक होके निकलता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि एक बार प्रस्तुत करती हूँ आपके अपने चैनल बिजनेस वुमेन अंजलि में। तो दोस्तों आज बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आ गए, बिल्कुल कम लागत में, बिल्कुल कम लागत में सिर्फ आपको रॉ मटेरियल लेना है, उसको पैक करना है और बेच देना है मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट आप 15 से 2000 दिन का आप कमा सकते हो। तो मेरे साथ है इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए अशरफ सर, अशरफ इंटरप्राइजेस से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी कंपनी का नाम है अशरफ इंटरप्राइजेस, मेरी कंपनी 2017 से है और हमारा जो मोटिव होता है बेरोजगारों को रोजगार देना। मेहनत आप पे है, डिपेंड आप पे है, हम तो आपको रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस आइडियाज प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी कंपनी दिल्ली के अंदर में है, जो इंदरलॉक मेट्रो है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, एक बिहार में भी है हमारा, एक बॉम्बे में भी है। आज जो हम बिजनेस डिस्कस करने वाले, एक ऐसे बिजनेस पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो 1500 से 2000 रुपए इजिली कमा लेंगे और ये प्रोडक्ट 365 दिन चलने वाला है। ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि भाई सीजनेबल है। और एक और बता दूं, वो प्याज आलू वाला सिस्टम नहीं है कि आज आपने प्रोडक्ट खरीद लिया अगर नहीं बिकता है तो आपका वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट ऐसा है अगर आप बीमार पड़ गए, आप छुट्टी पे हो, कहीं चले गए, बिजनेस आपने 10 दिन बाद चालू किया या 10 दिन बाद आपने माल बेचा तो माल वैसे एज इट इज जैसे पैक करके रखोगे वैसा ही माल रहेगा और हर घर में यूज होता है। मेरे घर में भी यूज होता होगा और आपके घर में भी यूज होता होगा, आपके आसपास की हर दुकानों में बिकता है। आप किस जिस स्टेट में रहते हो, जिस विलेज में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहीं पे घर में एक छोटे से 10 कमरे के 10 बाई के 10 कमरे में लगा के छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर सकते हो और फैमिली के साथ आप अच्छा खासा आप रोजगार हमसे जुड़ के मिलके जो है जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मशीनें होने वाली है, क्या ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया होने वाला है जो हर घर में रोज यूज किया जाता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है वरना आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। फ्रेंड्स मैं जो दिखाने वाला हूँ वो एक ये छोटी सी एक मशीन है जो आप देख सकते हो, काफी छोटी सी एक मशीन है और ये सिंगल फेज पे घर की बिजली पे चलने वाली मशीन है और बिल्कुल इजी ऑपरेट है ये मशीन। इस मशीन से जो हम प्रोडक्ट बताने वाले हैं आपको, प्रोडक्ट हम दिखा दें कि आपने घर में बर्तन धोने के लिए देखा होगा कहीं जो है जूना इस तरह का यूज होता है, कहीं देखा होगा आपने इस तरह का ग्रीन पैड यूज होता है। ये जो है हर घर की जरूरत हो गई। अब क्या हो गया कि मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर घर है, अब वो पहले के टाइम की तरह नहीं घास से जो या किसी तरह का आइटम होता था जो लोग गांव में जुगाड़ू जो है काम करते थे, आजकल क्या घर हर घर में स्टैंडरिंग आ गई है। अब ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब बात रही मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है हर इलाके में मैन्युफैक्चरिंग, किसी को दिल्ली से माल मंगाना पड़ रहा है, किसी को महाराष्ट्र से माल मंगाना पड़ रहा है, किसी को कोलकाता से माल मंगाना पड़ रहा है। अब ये क्या कर सकते हो, अगर आप किसी विलेज से हो, किसी सिटी से हो, तो आप खुद घर में एक बिजनेस कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मशीन मात्र 18,000 रुपए की आपको हमारे पास पड़ने वाली, 1 साल की वारंटी हम आपको देंगे। इसमें फुल डेमो देने वाला हम जो अब आपको बात करने वाले हैं, हम रॉ मेटेरियल उठाने वाले हैं, रॉ मेटेरियल का कॉस्ट बताने वाले हैं। पहला रॉ मेटेरियल हम दिखाने वाले हैं ये कटा हुआ ग्रीन पैड, ये आपको 3x4 का साइज है। अगर इसकी तैयार, ये जो आपको बिकता है मार्केट में 10 रुपए पीस बिकता है, उसका हम रैपर भी आपको दिखा दें। इस तरह का हमारे पास रैपर है, ये देख सकते हैं 12 पीस लड़ी में है, ये आपको लड़ी में पाउच आता है, 12 पीस की लड़ी होती है, इस तरह से आपको ओपन होता है जो हम फिलअप करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने फिलअप कर दिया, इस तरीके से हमने 12 पीस जो है हर एक में फिलअप कर लेंगे और इस मशीन से पैक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 3x4 का है, ये 10 रुपए में मात्र बिकता है मार्केट में, ये आपको 2 रुपए जो है जैसे कि आप स्टार्टिंग करते हो तो 26 रुपए में आपका ये तैयार हो जाता है। प्रोडक्ट में मैं आपको इसको दिखा दूं, उसी में दूसरा हमारे पास आ जाता है इससे मोटा। क्या होता है किसी स्टेट में, जैसे आप से विलेज में हो तो विलेज में ये पतला वाला चलेगा, सिटी में अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो मोटा चलेगा, तो ये इससे मोटा होता है। ये आप देख सकते हैं 16 mm इसको बोलते हैं हम, 3x4 16 mm ग्रीन पैड आपको हमारे पास जो है इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद बता देते हैं आपको चौथा रॉ मेटेरियल, इसी में मटेरियल की आपको क्वालिटी बता रहा हूँ और मटेरियल के साइजेस बता रहा हूँ जो मार्केट में चलता है। एक मशीन से आप कितने प्रोडक्ट आया, ये छोटा था उससे बड़ा साइज आ गया जो 15 रुपए की MRP में बिकेगा, 15 रुपए पीस बिकेगा रिटेल में। होलसेल में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कितने में तैयार होगा और कितने में आप बेच सकते हो। एक और ये देख रहे हो 2-in-1, इसमें पीछे ग्रीन पैड लगा हुआ है जो बर्तन धोआ जाएगा, ये टाइल्स वगैरह जो मॉडलर किचन है भाई उसमें क्या होता है, एक चीज एक पीस मंगा लिया 20 रुपए का बिकता है ये। आप एक तरफ से जो बर्तन को साफ करते हैं और जो घर की महिलाएं होती है वो फिर एक तरफ से टाइल्स को सफाई करने के लिए जो है यूज करती हैं। तो ये भी प्रोडक्ट आप पैक करके जो है
ये बिजनेस को कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। जी रॉ मटेरियल हमारे पास ही मिलेगा, ये रैपर भी हमारे पास ही मिलेगा। कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम अपने नाम से कराएंगे, देखो नाम से कराने की जरूरत नहीं है। इस पे आप देख सकते हैं सुपर स्क्रब लिखा हुआ है, सिर्फ सुपर स्क्रब लिखा हुआ है, पीछे किसी का मोबाइल नंबर नहीं, किसी का एड्रेस नहीं। पहले आप मार्केटिंग कर लो, मार्केटिंग करने के बाद जब आपका मार्केट जम जाए, मार्केट में माल बिकने लगे, उसके बाद रैपर, क्योंकि रैपर छपवाने में 80,000 से 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जाता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस जो स्टार्ट होने वाली 20,000 से 22,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट करा के आपको हम देंगे, और उसके बाद अगर आप किसी भी स्टेट से हो हम ट्रांसपोर्टिंग करा के देंगे। अब रही बात रॉ मेटेरियल का, लोग सवाल करते हैं ये जो रॉ मेटेरियल है कच्चा माल हम कहाँ से लेंगे। कच्चा माल हमारे पास ऐसे ही कटा कटाया हमेशा मिलता रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है। मशीन मंगा लो, मटेरियल मंगा लो, बिजनेस चालू कर लो, मटेरियल खत्म हो जाए हमें फोन कॉल करो, सर हमारे पास ये साइज का मटेरियल खत्म, बस पैक करके सेल करते रहो, हमें फोन करना कि भाई हमारा रॉ मेटेरियल खत्म हो गया। जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, और इसमें तामझाम भी नहीं है, खराब होने वाला भी नहीं है, गलने सड़ने वाला भी नहीं है। अब माल जी माल भी नहीं बिक रहा, माल भी बिकने वाला, क्योंकि घर में यूज होता है 365 दिन है। थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा क्योंकि पैसेंस पे ही बिजनेस चलता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 22,000 रुपए, आजकल लोग स्मार्टफोन ले लेते हैं 30,000-40,000 रुपए का, और ऐसे फोन में रखते महीने भर में तोड़ तार के फेंक देते हैं। अगर आप बिजनेस पे स्टार्टअप है बिजनेस, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करना है, तो थोड़ा एक अमाउंट बिजनेस में, तो इससे मार्केट की नॉलेज होगी। आसपास की दुकानों में जब आप माल बेचने जाओगे, माल सप्लाई करने जाओगे, उसमें और 10 प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा, भाई ये भी प्रोडक्ट बिकता है, ये भी प्रोडक्ट मैं चालू कर लूं, तो 200 प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिल रही है, एक तरफ से आपकी लोगों से पहचान भी बन रही है, और बिजनेस करने का जो आपका तजुर्बा है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो मैं ये कहूंगा कि जो मोबाइल फोन इधर उधर में पैसे वेस्ट करते हो, आप थोड़ा बिजनेस में वेस्ट कर लो, आपको आगे अभी नहीं फायदा दे रहा तो हो सकता है आगे भी नेक्स्ट टाइम में भी फायदा देगा। तो अब मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉस्टिंग कितनी आ रही है और प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो मैंने पाउच रैपर में, ये हमारा 12 MRP रैपर लिखा हुआ है, इस पे 12 MRP आप देख सकते हो, 12 MRP छपा हुआ है इसके अंदर में। ये हमारी पूरी 12 पीस की लड़ी है, और हम इसको जो है इजिली इस मशीन से आपको पैक करके दिखाने वाले हैं। मैं कॉस्ट की बात करूं मैम, ये 12 MRP का है, बिकेगा वैसे 10 रुपए का, ये सिर्फ मात्र 26 रुपए में आपका तैयार हो जाता है, और होलसेलर में आपको 45 से 50 रुपए में दर्जन बिकता है। तो आप इजीली अगर 50 से 100 दर्जन भी बेच रहे तो 1500 से जी दर्जन के हिसाब से सेल होगा। 40 दर्जन का या 20 दर्जन का आप कार्टून बना सकते हो, या किसी थैले में डाल के मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हो, 2 पीस सैंपल रख लिया आगे और मार्केट में दिखा के आप सप्लाई कर सकते हो। काफी लोगों का ये होता है कि भाई इससे बड़ा साइज चाहिए, तो बड़ा साइज का जैसे मैंने आपको दिखाया ग्रीन पर, बड़े साइज का आपको मिल जाएगा, उसका रैपर आपको लेना पड़ेगा। ये जैसे बड़ा साइज का है, तो बड़े साइज का आपको हमारे पास रैपर अलग से आपको लेना पड़ेगा। जब आप मुझे कॉल करेंगे तो कॉल पे जो है आपको हम बता देंगे। और दूसरा बता दूं, हमारे जो है किसी भी ऑफिस में विजिट करके आप ये मशीन और रॉ मेटेरियल आप हमसे आराम से खरीद सकते हैं। मैं आप डेमो आप करके दिखाता हूँ, ये हमारी मशीन है, और ये देख सकते हैं कितनी लगी है हमारी। और इसके साथ मैं और भी बिजनेस का आइडिया दूंगा कि इसके साथ और भी बिजनेस आप क्या कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल है, यहाँ हम इस तरीके से जो है ये मशीन का स्पीड कंट्रोलर होता है, और ये फैन का बटन होता है, ये हीटर का बटन होता है, ये ऑन ऑफ का बटन होता है। हम इजीली यहाँ से जो है मशीन का स्पीड अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ हम रखेंगे, ये आप देखो इस तरीके से, और हमारा माल वहां निकल पैक होके निकलता चला जाएगा। ये देखो ये देखिए इस तरीके से जो है पैकिंग की क्वालिटी मैं दिखा दूं मैम एक बार, ये आप देख सकते हो पैकिंग की क्वालिटी बिल्कुल, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है 3.5-4 लाख की जो मशीन होती है उससे पैक करते हैं। और ये देखिए आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो कुछ सेकंडों में मैं बात करूंगा, 20 से 30 सेकंड के अंदर में ये वाला हमारा एक दर्जन तैयार हो गया, 26 रुपए का माल तैयार हो गया। आराम से आप इस तरह से बंडल बना के 40 दर्जन बना के मार्केट में पैक करके जो है बेच सकते हो। हाँ, इस तरीके से आपकी पैकिंग करके ये प्रोडक्ट आपका बिल्कुल ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसी मशीन से मैम, जैसे आप ये तो बन गया ग्रीन पैड हो गया, अब इसी मशीन से आपको मसाले की अगर नॉलेज है, मसाले की अगर ड्राई फ्रूट की, तो इसी मशीन से आप पैक कर सकते हो। अब रही मसाले की, क्या आपको चाहिए होगा, पाउच चाहिए होगा, हम आपको पाउच प्रोवाइड करेंगे। मसाला जो है आपको अपने नियर में लेना पड़ेगा, या कहीं होलसेल पता करना होगा, अपने किराना स्टोर में पता कर लो मसाले सस्ता कहाँ मिलते हैं, वहां से उठा लो, 10 रुपए वाला 5 रुपए वाला खड़ा मसाला बना लो, 50-100 ग्राम वाला हल्दी पाउडर बना लो, सत्तू पैक कर लो, बेसन पैक कर लो। ये देख सकते हैं मैम हमारे पास पाउचेज है, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 10 रुपए खड़ा मसाला के लिए हमारे पास पाउच है,
ये हल्दी पाउडर के लिए हमारे पास पाउच है, ये हमारे पास लाल मिर्च, मीट मसाला, चिकन मसाला, इसके लिए पाउच है। जी जी जी, हमारे पास जो है ये चाय पत्ती के लिए पाउचेस है, ये आप दे सकते हैं, चाय पत्ती के लिए पाउच है, 5 रुपए 10 रुपए में लड़ी में एक साइड से ओपन होता है, चाय पत्ती भरो पैक करो। उसका डिटर्जेंट पाउडर का पाउच है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं 10 रुपए का चलने वाला प्रोडक्ट। ये डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट आप ले लो और डिटर्जेंट पैक करके बेच सकते हो। जी, तो इस मशीन से ही पैक हो जाएगा मैम ये सारे प्रोडक्ट जो आपको मैंने दिखाया, और इसका रॉ मटेरियल अगर आप चाहते हो तो ये भी मिल जाएगा, और ये भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो इस मशीन से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जो है शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो आपने देखा कि कितनी बढ़िया बिजनेस आइडिया था, एक ही मशीन से आप कितनी अलग तरह की चीजें पैक कर सकते, जैसे कि आपको सर ने बताया डिटर्जेंट वगैरह पैक कर लो, चाय पत्ती पैक कर लो, कुछ भी आइटम जो खुला मिलता है वो आप पैक कर सकते हो। अगर वो भी आपको बाहर से नहीं खरीदना है तो यहीं से रॉ मटेरियल लो, यहीं से पैकिंग का मटेरियल लो, यहीं से मशीन लो और बाकी सेल करो। सेल तो सर आपको करना है, सेल तो आपको खुद करना पड़ेगा। सर एक चीज और जानना चाहूंगी लोगों के मोटिवेशन के लिए कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी और कब स्टार्ट किया था, कब कब चला आपका बिजनेस? मैं तो 2017 में बिजनेस स्टार्टअप किया था मैंने, और एक प्रोडक्ट से किया था जो मैंने एक बिजनेस आइडियाज देता था। धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ते गए और भी लोगों ने जुड़ा, और मैंने बहुत लोगों को बेरोजगार से रोजगार बनाया है और वो आज अपने घर को चला रहे हैं। तो देखिए बिजनेस तो थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीना साल भर भी लग जाता है, किसी किसी को मंथ में ही जो है बिजनेस में बेनिफिट नजर आने लगता है। तो थोड़ा पैसेंस भी रखना पड़ेगा और थोड़ा आपको मेहनती भी बनना पड़ेगा, थोड़ा बोलने वाला भी बनना पड़ेगा और मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो सारा डिपेंड आप पे है। बेचने वाला तो कचरा भी बेच देता है, ठीक है, और ये तो अच्छा खासा प्रोडक्ट है, अच्छा खासा घर में चलने वाला प्रोडक्ट है, आप आराम से बेच सकते हो। तो दोस्तों आपने समझ लिया, मोटिवेशन तो आपको सर से मिल गया होगा। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मुझे भी चैनल चलाना है तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल करनी पड़ती है, फिर कोई जाके एक मुकाम तक पहुंचता है। तो अगर आपको दोस्तों ज्यादा डिटेल चाहिए बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, मशीन के बारे में और यहाँ के रॉ मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना। तो टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।